में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। जी हां, प्रदेश की राजधानी जयपुर में अमेरिका से लौटे एक युवक में ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक सब वेरिएंट, जिसमें से एक XBB.1.5 मिला है। इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने युवक की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी। पेश है इस पर एक खास रिपोर्ट। प्रदेश की राजधानी जयपुर में 21 साल के युवक में अमेरिकन वेरियंट मिला है। युवक के सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग रिपोर्ट आने के बाद नए वेरियंट XBB.1.5 की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 21 साल का युवक 19 दिसंबर को यूएसए से जयपुर आया था। 22 दिसंबर को युवक को बुखार आने पर कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसकी 23 दिसंबर को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद युवक के सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग कराई गई तो उसकी आज आई रिपोर्ट में नया वेरियंट मिला है। कोरोना के नए वेरियंट का खतरा। जयपुर में जो जीनोम सिक्वेंस की रिपोर्ट आई है, उस पेशेंट में अमेरिकन वेरिएंट मिला है, XBB.1। ये चाइना वाला वेरिएंट नहीं है। पेशेंट स्वस्थ है और घर में क्वारंटाइन है और किसी प्रकार की उसको अभी तकलीफ नहीं है। किस प्रकार के एहतियात बरते जा रहे हैं? पेशेंट को घर में रहने के लिए हिदायत दी गई है और टीम भेजी है, और पेशेंट जो घर में सदस्य हैं उनका सैंपलिंग और उनके बारे में हिस्ट्री ली जाएगी, और अगर बीमार हैं तो उनको दवाई दी जाएगी। मरीज ओके, लेकिन वेरिएंट से चिंता बढ़ी। जयपुर के एक मरीज में मिला ओमिक्रॉन XBB.1.5 वेरिएंट। 19 दिसंबर को यूएसए से जयपुर आया था पीड़ित मरीज। 22 दिसंबर को मरीज को आया था बुखार। 23 दिसंबर को कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। इसके बाद सैंपल की कराई गई जीनोम सिक्वेंसिंग। जीनोम सिक्वेंसिंग में XBB.1.5 वेरिएंट की पुष्टि हुई। सूचना मिलने पर चिकित्सा विभाग भी अलर्ट हुआ। परिजनों और संपर्क के लोगों की कराई जा रही स्क्रीनिंग। हालांकि अभी मरीज की हालत बताई जा रही ठीक। राजधानी में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के साथ ही एक बार फिर से दहशत फैल गई। हालांकि युवक की स्थिति ठीक बताई जा रही है, लेकिन युवक की जीनोम सिक्वेंसिंग रिपोर्ट आने के बाद ही CMHO जयपुर की टीम ने युवक की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू करने के साथ परिजनों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी। कोविड का ही वेरिएंट है, कोविड के ही सिम्टम्स होंगे, और क्या कहते हैं, अगर इसमें कोई तकलीफ या कोई समस्या होगी तो हमारे पास बेड, ICU, ऑक्सीजन प्लांट, सब चीज की व्यवस्था है। इसलिए किसी प्रकार के घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये मरीज कहाँ से आया था? और ये पेशेंट अमेरिका से आया था, 19 तारीख को चला आया था और इसको 22 को बुखार आया और 23 को कोविड सैंपलिंग सैंपल में इसको पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद इसको जीनोम का सैंपल हमने बाहर भेजा है, जिसमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो कि अमेरिकन वेरिएंट पाया गया था। कोरोना का जो नया वेरिएंट चिन्हित किया गया वो पूर्व के वेरिएंट के मुकाबले 104 गुना खतरनाक है। चिकित्सकों के मुताबिक ये हमारे शरीर में वैक्सीनेशन और नेचुरल तरीके से बनी एंटीबॉडीज को बाईपास करके संक्रमित करता है। ऐसे में एक बार फिर जरूरी हो गया कि कोरोना के स्प्रेड को रोकने के लिए सबसे प्रभावी मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाए। चिकित्सक खुद मानते हैं कि यदि लोग जागरूक रहेंगे और मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएंगे तो कोरोना के नए खतरे को भी रोका जा सकेगा। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।